हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? और आज के दिन का आज मैं दूसरा लाइव हूं और खुशी ही ऐसी है कि आज एक समाज कृष्णवंशियों की जीत और जश्न का दिन है और इस लाइव के माध्यम से अहिरगढ़ उर्फ औरंगाबाद समेत देश के समस्त कृष्णवंशियों को, देश के समस्त मेरे चाहने वाले, मुझे समर्थन करने वाले मेरे श्रोता समाज, भगवान रूपी मेरे समर्थकों को तहे दिल से आभार, नमन, धन्यवाद एवं बधाइयां। बहुत कोशिश की गई, बहुत वीर बन रहा था, नेता से लेकर के राजनेता तक, कलाकार से लेकर फलनाकार तक, मैं कहां तक मैं जा रहा हूं आप समझ रहे हैं। साजिश करके आपके भाई को, यानी संतोष रेणु यादव को जेल में डालने का काम किया। मेरा मनोबल तोड़ने का काम किया, लेकिन मनोबल मेरा टूटा नहीं। कानून का जब मुझे फोन आया, मैं खुद कानून के पास गया, क्योंकि मैं कानून का, देश के संविधान का और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, अटूट आस्था है मुझे देश के प्रति और देश के संविधान, कानून और न्यायपालिका के प्रति। और मैं एक कृष्णवंशी होने के नाते मैं कृष्णवंशियों का, अपने समर्थकों का स्वाभिमान और सम्मान कैसे झुकने देता। मैं भागा नहीं, कानून के समक्ष जा करके मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया था, मनगढ़ंत आरोप, मैंने सामना किया और अंततः न्यायपालिका ने हमारे ऊपर जो आरोप जो लगाई गई थी, तमाम कोशिश की जा रही थी कि संतोष रेणु जेल से बाहर नहीं आए, लेकिन न्यायपालिका ने मुझे न्याय देने का काम किया। और इसके बाद, पहले से तो न्यायपालिका का मैं सम्मान करता ही था, इसके बाद न्यायपालिका के प्रति मेरी और सम्मान बढ़ी, और मेरी ही नहीं बल्कि देश की आस्था न्यायपालिका के प्रति बढ़ी। जो ऑपोजिशन जो था, पूरा ग्रुप, पूरा देश से लेकर के विदेश तक पूरा ढांचा बनाए हुए था, एक जाल रचे हुए था, लेकिन जमीन छोटी पड़ गई उसकी। कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे, जमीन छोटी पड़ गई और अंततः उसकी वो परिस्थिति हुई कि उसके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश माननीय कोर्ट ने किया। ये परिस्थिति थी कि अगर आज वो हाजिर नहीं होता तो उसके खिलाफ इनाम घोषित किया जाता। इस तरह के भगोड़े अपने आप को वीर होने की बात करते हैं, और ये तो सिर्फ एक मुखड़ा अभी जेल में गया है,
ये अभी सिर्फ एक टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है। अभी पूरा का पूरा फिल्म जेल के अंदर जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा। एक पूरा एक वातावरण, एक नेक्सस एक बनाए हुए लोग, और ये सबको सलाखों के पीछे भेजूंगा, क्योंकि ये संतोष रेणु दादा श्री कृष्ण के बनाए गए नीति उपदेश और उनके सिद्धांतों पे चलता है, और मुझे साहब कृष्णवंशियों पे, मुझे अपने समर्थकों पे अच्छा गर्व है ना और भी काम विश्वास तो है, यही चल भरोसा रहा है। है। ठीक है खुशी में खा रहे हैं। अभी खा रहे हैं कि 5 रुपया वाला बिस्कुट, जानते हैं का है ये? चलते कि टीजर अभी अंदर गया है, जब टेलर अंदर जाएगा तब 50 रुपया वाला खाएंगे। अब पूरा फिल्मा के जब अंदर हिलेंगे ना, उस दिन का जश्न अलग होगा। मैं इस लाइव के माध्यम से औरंगाबाद के रहने वाले बम यादव, अमन यादव, छोटू यादव, निर्भय यादव, मुन्ना यादव, शत्रुघ्न यादव, दीपक यादव समेत जितने भी मेरे कृष्णवंशी हैं, जितने भी मेरे समर्थक हैं, मैं सब लोगों को मैं यहीं से नमन करता हूं, और पूरा है आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि औरंगाबाद मेरी कर्म भूमि बन चुकी है। जैसे बाबा महात्मा गांधी के लिए चंपारण उनकी कर्म भूमि बनी थी ना, वैसे ही औरंगाबाद मेरी कर्म भूमि बन चुकी है, और औरंगाबाद के लिए, औरंगाबाद के कृष्णवंशियों के लिए, अगर मेरे शरीर का एक एक कतरा भी अगर न्योछावर करने की जरूरत पड़ेगी तो संतोष रेणु यादव पीछे नहीं हटेगा। और जो लोग बात करते थे ना कि औरंगाबाद नहीं ये चित्तौड़गढ़ है, तो सुन लो तुम गलत थे, औरंगाबाद नहीं ये अहीरगढ़ है, और अहीरगढ़ इसको बना चुके हैं। बहुत जल्द मैं आ रहा हूं औरंगाबाद, 15 तारीख को। 13 तारीख को आप सबको पता है कि मैं चंदौली जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश, जहां पे हम सब की बहन निशा यादव की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई है, जहां पे माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया भी गए थे, तमाम लोग गए वहां पे। वहां पे चूंकि मैं एक कलाकार बाद में हूं, मैं हमेशा बोलता हूं मैं पहले अहीर हूं, और जहां जहां अहीरों को प्रताड़ित किया जाएगा संतोष रेणु वहां खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में जा रहा हूं 13 मई को, उत्तर प्रदेश से लौटूंगा, और 15 मई को मैं औरंगाबाद उर्फ अहीरगढ़ की धरती पे पुनः पधारूंगा, उस मिट्टी को नमन करूंगा जिस मिट्टी से मेरी संघर्ष स्टार्ट हुई, जिस मिट्टी ने मेरा मान, मेरा स्वाभिमान बनाए रखा, जिस मिट्टी ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना हर कुछ न्योछावर किया। जेल के अंदर मैं संघर्ष कर रहा था, जेल के बाहर उस मिट्टी के लाल संघर्ष कर रहे थे। मैं पुनः मैं आ रहा हूं औरंगाबाद 15 मई को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका मैं नाम मैं नहीं जान पाया हूं, जिनसे मैं नहीं मुलाकात कर पाया हूं, क्योंकि मैं जेल के अंदर था, जेल से बाहर आया उसके बाद कम ही समय में, चूंकि बहुत सारा शेड्यूल था तो मैं इधर मैं आ गया। मैं आ रहा हूं 15 मई को औरंगाबाद, और उन सभी लोगों को
एक लोकेशन बताया जाएगा, एक जगह बताया जाएगा जहां पे मेरे तरफ से सादर आमंत्रण होगा, कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ मिठाइयां बांटेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। लड़ाई बहुत लंबी है और लड़ाई चलेगी, और अभी तो ये हो गया है ना, ये पूरा एक नेक्सस है जो यादवों के खिलाफ ये लोग प्लानिंग करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, बैकवर्डों के खिलाफ प्लानिंग करता रहता है, मुस्लिम समाज के खिलाफ प्लानिंग करता रहता है, और तो और ये जो जो लोग जो नेक्सस बनाए हैं वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। इसका नकेल कसेंगे, इसका फन कुचलेंगे, और इसकी शुरुआत औरंगाबाद की पावन धरती से होगा। लव यू अजीत बाबू, अर्जुन बाबू, अभय यादव जी लिखते हैं वेलकम भैया जी, दिल से सैल्यूट आप सबको। उपेंद्र यादव जी लिखते हैं जियो शेर। अरे नहीं नहीं, शेर आप लोग हैं, आप लोग शेर हैं, हम तो बस मान सम्मान और स्वाभिमान दादा श्री कृष्ण के वंशज का, जहां जहां अगर कोई चैलेंज करेगा वहां वहां संतोष रेणु यादव खड़ा होगा और मैं बदला लूंगा पुष्पेंद्र यादव के हत्यारों से, जो उत्तर प्रदेश के झांसी में पुष्पेंद्र यादव को साजिश करके मार दिया गया और पेट्रोल छिट करके लहरा दिया गया था, मैं वहां बदला लूंगा। बहन निशा यादव की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। बहन निशा यादव की आत्मा चीख चीख करके कह रही है कि मेरे साथ जो जघन्य अपराध किया गया उनके हत्यारों को नाक रगड़ रगड़ के अगर नहीं मारे तो फिर मैं भी कृष्णवंशी का औलाद नहीं। बस आप लोग ऐसे ही जागे रहिए और ये जो जागने और जगाने का जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो, जय हो, जय हो। वहीरगढ़ उर्फ औरंगाबाद के रणबांकुरों, आप सबको मेरे तरफ से सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट।